नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुड्डू मुस्लिम के धर्मांतरण को लेकर अयोध्या के महंत राजूदास का ट्वीट सामने आया है। यूपी पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर किया हैरान कर देने वाला खुलासा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी पुलिस ने बताया गुड्डू मुस्लिम दरअसल हिंदू था। गुड्डू मुस्लिम सुल्तानपुर के गोसाईगंज का रहने वाला था। यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम का असली नाम आयुष चौधरी था। ये यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। अतीक अहमद ने धर्मांतरण करवाकर मुसलमान बना दिया। अतीक ने विजय उर्फ उस्मान को भी मुस्लिम बनाया था। अतीक के 12 ऐसे गुर्गे जो मुस्लिम हैं, वह दरअसल पहले हिंदू थे। देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आई है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर कहा जा रहा है कि वह पहले हिंदू था और अतीक अहमद ने उसका धर्मांतरण करवाकर उसको मुस्लिम बना दिया, जिसका नाम गुड्डू मुस्लिम रख दिया गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रही है। तो देखिए, बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। गुड्डू मुस्लिम सुल्तानपुर के गोसाईगंज का रहने वाला था, ये बयान दिया है यूपी पुलिस ने। साथ ही यूपी पुलिस ने कहा कि गुड्डू मुस्लिम का असली नाम आयुष चौधरी था, लेकिन इसका धर्मांतरण कराया गया। अतीक अहमद ने धर्मांतरण करवाकर इसको मुसलमान बना दिया। अतीक ने विजय उर्फ उस्मान को भी मुस्लिम बनाया। देखिए, जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आ रही है कि देखिए, दो के धर्मांतरण कराए गए, विजय और साथ ही आयुष। गुड्डू मुस्लिम का पहले नाम आयुष था, जिसका नाम मुसलमान करके उसको इसका नाम गुड्डू मुस्लिम रख दिया गया। ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट सामने आई है। और ऐसे ही एक विजय नाम का शख्स है जो हिंदू था, जिसका धर्मांतरण करवाकर उसका नाम उस्मान रख दिया गया। तो देखिए, अतीक अहमद ने धर्मांतरण करवाकर दो के नाम बदले, उनका धर्मांतरण करवाकर उन्हें मुसलमान बना दिया। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आई है। अतीक अहमद ने धर्मांतरण करवाकर मुसलमान बनाया। अतीक ने विजय और उस्मान को भी मुस्लिम बना दिया था। अतीक के 12 ऐसे गुर्गे जो मुस्लिम हैं, वह दरअसल हिंदू थे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। देखिए, पहले जो इसके साथ गुर्गे में जो 12 शख्स है, वो पहले हिंदू थे, जिनका धर्मांतरण करवाकर, जिनको लालच देकर उनका धर्म चेंज किया गया और उसके बाद उनको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। और उनमें से एक नाम देखिए गुड्डू मुस्लिम का भी है। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहले आयुष चौधरी था, ये जानकारी यूपी पुलिस ने दी है, लेकिन उसका धर्मांतरण करवाया गया, जिसके बाद आयुष चौधरी का नाम गुड्डू मुस्लिम रख दिया गया। ये बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आई है। बड़े बड़े खुलासे देखिए यहाँ पर हो रहे हैं और हिंदी खबर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो यूपी पुलिस है लगातार सतर्क है, और इसके बाद देखिए जिस तरीके से अब जो अपडेट यहाँ सामने आ रही है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल की अपडेट यही है कि गुड्डू मुस्लिम पहले हिंदू था। और देखिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत राजूदास, हमारे साथ फोन में जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है महंत जी आपका हिंदी खबर पर। राजूदास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजूदास जी, देखिए जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम पहले हिंदू था, ये बयान दिया है यूपी पुलिस ने। उन्होंने कहा कि पहले वो हिंदू था, जिसका धर्मांतरण कराकर कराया गया, जिसके बाद उसको मुसलमान बना दिया गया। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अतीक अहमद द्वारा एक तो आतंक, तो ये इसका व्याप्त ही था, इसकी लूट हत्या बलात्कार व्याप्त था, लेकिन इसके साथ साथ वो धर्मांतरण का भी काम करता था। यह प्रत्यक्ष गवाह उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारीगण हैं, जिन्होंने सर्वे किया, जांच किया, उस जांच में पाया गया है कि उसमें कई लोगों का धर्मांतरण किया है, एक नहीं कई लोगों का उसने धर्मांतरण किया है जी। और देखिए, पहले उसका नाम आयुष चौधरी था जी, उसका नाम गुड्डू मुस्लिम कर दिया। इसके साथ साथ विजय, जिसका नाम देखिए उस्मान है जी, वो भी हिंदू था। ऐसे करके 12 मामले जो प्रशासन ने उजागर किया है, यह सामने आया है। जिस प्रकार से वह कट्टरता का भाव, जिस प्रकार से समाज में आतंक का माहौल, जिस प्रकार से आप देखिए मदरसे से उठाकर बहन, वो जो बच्चियां था उसकी बलात्कार, कुछ नहीं होना, जिस प्रकार से गवाहों की हत्या, जिस प्रकार से अभी उसकी बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा था, किसी घर पे कब्जे करने के लिए गया था, किस प्रकार से नंगा करके पीटना, ऐसे करके कई 100 मामले हैं, एकाध नहीं मामले हैं जी।
तो ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, ये गंभीर विषय है। इस पे लोगों को सतर्क, सजग और जागरूक होने की जरूरत है। कट्टरता का भाव देखिए, एक तरफ तो वो हिंदू मुसलमान को एक करके अपना क्रांति करता था, दूसरे तरफ उसका कट्टरता का भाव तो उसके मतलब साथ काम करता था, उसको मुसलमान बना देता। राजू दास जी, देखिए जिस तरीके से आपने भी ट्वीट किया है और यूपी पुलिस ने जिस तरीके से खुलासा कर दिया है, और ये भी है कि अभी तो देखिए फिलहाल के जो 12 लोग हैं, ये अभी जानकारी सामने आई है कि 12 का धर्मांतरण कराया गया था। हो सकता है कि औरों का धर्मांतरण कराया गया हो जिसको लेकर पुलिस फिलहाल जाँच पड़ताल करे। तो क्या कोई बड़ी साजिश अतीक अहमद कर रहा था हिंदुस्तानी खिलाफ, क्योंकि उसके कनेक्शन ISI से जुड़े हुए थे पहले से ही? नहीं नहीं, देखिए अतीक अहमद, देखिए उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस प्रकार से ISI से उसका संबंध और ISI के द्वारा असलहा लेना, देश में दंगा, देश में अपराध, देश में लूट, हत्या, बलात्कार, इसके साथ साथ नोटों का व्यापार और असलाहों का व्यापार, वो भारत में तमाम ऐसे राजनेता भी उसके संपर्क में थे और उसके साथ वो करता था, इसके नाते उसका जिंदा रहना जरूरी था। किसी कारणवश उसकी जो मृत्यु हुई है उससे इसमें झटका लगा है प्रशासन को भी और सरकार को भी, और बहुत ढेर सारे मामले का खुलासा होना था। लेकिन मुझको लगता है उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे नेता भी थे जिसके गले तक ये फंदा पहुंची, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने से वो लोग सारे लोग बचा रहे हैं। ISI के तमाम ऐसे खुलासे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो शुद्ध रूप से एक देश के प्रति खिलाफ, समाज के प्रति खिलाफ, धर्म के प्रति खिलाफ ही उसका माहौल तैयार करने का काम था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि धर्म के प्रति खिलाफ एक माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है अतीक अहमद के जरिए, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से आतंकवादियों से कनेक्शन होना, पाकिस्तान से कनेक्शन होना, ISI से कनेक्शन होना, तो यही जाहिर करता है कि वो जरूर कई ऐसे लोग, ऐसे और गुर्गे होंगे उसके, कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें वो शायद अब मुस्लिम बनाना चाहता हो हिंदू से धर्मांतरण करवा कर? कई कैसे लोग थे जिसको लगातार वो प्रयास करके और धर्मांतरण के चक्कर में वो लगातार पूरा प्रयास करता है, कोशिश करता था। और देखिए प्रशासन ने 12 लोगों का नाम दिया है जी, और 12 लोगों के नाम के साथ साथ और भी नाम आ सकते थे। ISI से संबंध होना और देश में बड़े स्तर पर असलाहा की तस्करी करवाना, बड़े स्तर पर नोटों का तस्करी करवाना, ये उसका दाहिने बाएं का खेल था और लगातार ऐसा करता था। इसके साथ साथ धर्मांतरण का भी वो कार्य चलाता था, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए प्रशासन के लोगों ने 12 लोगों का नाम उजागर किया है। हमको लगता है बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे आप देखिए 100 अपराध उसके ऊपर दर्ज हुए हैं, जबकि एक एक अपराध दर्ज कराने में लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं तब ये अपराध दर्ज हो पाए हैं। समझ सकते हो कितना भयावह व्यक्ति था, कितना वो क्रूर व्यक्ति था कि 3-3 वर्ष तक लोग प्रतीक्षा करते थे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद तब उसके ऊपर FIR दर्ज होता था। और तो और देखिए 13 जज उस केस सुनवाई से मना कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जजों ने सुनवाई करने से मना किया और 14वां जज ने तुरंत बेल दे दिया, तो समझ सकते हैं कितना उसका आतंक था। बिल्कुल जाहिर है। चलिए राजू दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के।